मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। और नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं ट्रॉलिंग सेलेब। वेल, ट्रॉलिंग सेलेब में हम बात करते हैं उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो सोशल मीडिया पर ट्रॉल होते हैं। वेल, अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया आज के टाइम पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिससे हर कोई कनेक्ट रहना चाहता है। अब बात हो या आम इंसान की या फिर खास की, जी हाँ, हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। अब वही खास इंसान यानी कि सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो सेलिब्रिटीज़ इससे कुछ ज़्यादा ही खास मतलब जुड़े हुए नज़र आते हैं। हाल फिलहाल की अगर बातों पर नज़र डालें तो हाल फिलहाल नज़र आई हैं, सोशल मीडिया से जुड़ी हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि 11 मई को उन्होंने अपना इंस्टाग्राम डेब्यू किया था। वेल, इसी पे चलिए आते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे मतलब ट्रॉलिंग जो वर्ड है बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ को लेकर अगर कोई भी चीज़ आती है वो झट से वायरल हो जाती है, और कभी कभी कुछ इनकी ऐसी पिक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ ये पोस्ट करते हैं जिन्हें लेकर ये खुद भी ट्रॉल हो जाते हैं। कभी इनके स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं, तो या ये कहें कि कभी ऐसी पिक्चर फेक पिक्चर्स को एडिट करके उन्हें वायरल किया जाता है। ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जहां सेलिब्रिटीज ट्रॉल होते नज़र आते हैं, या इनकी ओरिजिनल फ़ोटो के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी जाती है। वेल, आज हम कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में लाए हैं जो दीपिका से लेकर कटरीना तक, कटरीना से लेकर करिश्मा तक, जो सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं बात करें दीपिका और कटरीना के, तो गोद में बच्चा भी दे दिया गया है। जी हाँ, किस तरह से उन्हें एक शादी के बिना ही माँ बना दिया गया, सोशल मीडिया पर इस हद तक उन्हें ट्रॉल किया गया। अब ट्रॉलिंग का ये क्या सिलसिला है, आखिर कौन कौन सा सेलिब्रिटी ट्रॉल हो रहा है, उसके लिए आपको नज़र डालना पड़ेगा हमारी इस खास रिपोर्ट पर कि आखिरकार वो कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको दीपिका और कटरीना के बारे में बताया, और भी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रॉल हुए, आइए नजर डालते हैं। बॉलीवुड सेलेब्स को लेकर यूं तो कई सारी अफवाहें आती रहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं जो सच होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो कुछ ऐसी खबरें आती हैं सितारों को लेकर जो सोच से परे होती हैं। एक ऐसी ही खबर कटरीना कैफ को लेकर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बता दें कि यूं तो कटरीना अक्सर अपने छोटे फैंस के साथ पिक्चर क्लिक कराती रहती हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया में जो फोटो वायरल हो रही है उसमें लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि कटरीना एक अच्छी माँ बनेगी। वेल, कटरीना की जो तस्वीर वायरल हो रही है उनमें उनके साथ एक बच्चा भी नजर आ रहा है। वेल, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आए दिन न्यू सेलेब्स को लेकर कई सारी फोटोज वायरल होती रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ बता दें कि अपने फोटोज को लेकर ये सेलिब्रिटीज कभी कभी विवादों का हिस्सा बन जाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह फिल्म में करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए सलमान संग रेस में शामिल हो चुकी हैं। बता दें कि रेस 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हर बार की तरह सलमान इस फिल्म में एक दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी फिल्म का मजाक बनाया जा रहा है। सलमान की फिल्म का डायलॉग वायरल हो रहा है जहाँ डेजी शाह एक डायलॉग बोलती भी नजर आती हैं। आपको बता दें कि डेजी शाह जो डायलॉग बोलती हैं वो माय बिजनेस इज माय बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बता दें कि डेजी शाह के इस डायलॉग का जोक सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में सलमान की फिल्म का जो मजाक है वो पहली बार नहीं बना है, इससे पहले भी उनकी फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर मजाक बन चुका है। और आपको बता दें कि पॉपुलर हिट में टाइगर जिंदा है भी सलमान की फिल्म मजाक का मुद्दा बन चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जो कि पिछले दिनों अपने कांस लुक को लेकर चर्चाओं में थी, जी हाँ, दीपिका का पोज जो कि काफ़ी वायरल हुआ, और दीपिका के अलग अलग लुक को कांस में, जी हाँ, उनके कांस में जो अलग अलग लुक थे उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन हमेशा सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बनी रहने वाली दीपिका एक दफ़ा फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। बता दें कि सोशल मीडिया में दीपिका की एक फ़ोटो वायरल हो रही है जहां उनकी गोद में एक बेटा है, और वो बेटा कोई और नहीं बल्कि तैमूर है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से दीपिका ने तैमूर को पकड़ा हुआ है और दोनों स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह सोशल मीडिया सेंसेशन बने तैमूर अली खान, जो कि दीपिका की गोद में नजर आ रहे हैं। आपको इसी के साथ बता दें कि इनकी ये तस्वीरें काफी पसंद की जा रही हैं।
सिल्वर स्क्रीन पर जब हम बॉलीवुड सितारों को देखते हैं तो फैंस उनकी कई बातों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम आपको आपके फेवरेट स्टार से जुड़ी ऐसी आदत बताएंगे जो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहेंगे। कई खबरों की माने तो करीना कपूर को नाखून काटने की बहुत बुरी आदत है। जी हाँ, नेल कटर से नहीं बल्कि अपने दांतों से। असल में ये आदत बहुत ही बुरी मानी जाती है, बचपन में ही सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वेल, बता दें कि करीना की ये आदत कई दफा पिक्चर्स में भी कैप्चर की गई है। कई बार करीना की कुछ ऐसी फोटोज पब्लिकली कैप्चर हुई हैं जहां करीना अपने नाखूनों को काटते हुए नजर आई हैं और वो पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वेल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं करीना की कुछ ऐसी फोटोज जहां वो अपने नेल्स को कट करती हुई नजर आ रही है। ब्रिटिश रॉयल कपल प्रिंस हैरी और मेगन की शाही शादी में बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा शरीक हुई। यहां पर प्रियंका चोपड़ा की लुक की बात करें तो प्रियंका इस मौके पर किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। इस मौके पर प्रियंका के दो लुक सामने आए हैं। दोनों लुक्स में प्रियंका का अंदाज बेहतरीन लगा। वेल, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या का ऐसा ही प्रिंसेस लुक देखने को मिला जहाँ वो एक प्रिंसेस के अंदाज में नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या के इस लुक की काफी चर्चाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा का जो प्रिंसेस लुक देखने को मिला उसकी भी चर्चाएं हैं। तो वही बता दें कि दोनों ही मिस वर्ल्ड के प्रिंसेस लुक को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें एक तरफ ऐश्वर्या का लुक और दूसरी तरफ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का लुक, दोनों के ही लुक को कंपेयर किया जा रहा है। ये था आज का हमारा ट्रोलिंग सेलेब, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। आए दिन सेलिब्रिटीज से जुड़ी कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती रहती है कि कभी किसी सेलिब्रिटी ने कोई स्टेटमेंट पास कर दिया या बात करें किसी सेलिब्रिटी ने कोई ऐसी पिक्चर शेयर कर दी हो जिसकी वजह से वो ट्रोल होने लगे हैं। उनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है, कुछ कमेंट वो ऐसा कर देते हैं जो एक टाइम पे कह सकते हैं कंट्रोवर्सी का भी रूप ले लेता है। काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अभी हाल फिलहाल इनकी फिल्मों की बात करें तो फिल्मों के डायलॉग्स को लेकर भी ट्रॉल होते हैं। जैसा कि हाल फिलहाल, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि डेजी शाह भी ट्रॉल हो रही हैं अपने उस डायलॉग को लेकर, माई बिजनेस इज माई बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस, जो कि उन्होंने रेस 3 के ट्रेलर में बोला है, जो ट्रेलर सामने आया है, जिसे लेकर डेजी शाह को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। मैं बता दें कि जैसे ही सेलिब्रिटीज को लेकर जो इस तरह की बातें आती रहती हैं उनका मजाक बनता है इन चीज़ों को लेकर, जहां कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बातें सही भी होती हैं लेकिन कुछ हद तक ये बातें अफवाहों के रूप में होती हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके और हमारे सोच से परे होती हैं कि आखिरकार इस हद तक इन सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल किया जाता है या इस हद तक इनकी फ़ोटोज़ को एक दूसरा ही एंगल दे दिया जाता है और एक दूसरा एंगल निकल के सामने आता है जिसे देखकर लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या गया है। लेकिन फाइनली ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं जहाँ सेलेब्स को लेकर तमाम तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है कि भाई आखिरकार सेलिब्रिटीज़ को लेकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन यकीन मानिए सेलिब्रिटीज को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी ट्रॉलिंग का जो सिलसिला है वो चलता रहता है और चलता चला आया है और शायद आने वाले टाइम पे भी सेलिब्रिटीज़ को लेकर जो ट्रॉलिंग का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर सेलेब्स की बात करें जो उनको लेकर सेलिब्रिटी जो ट्रॉल होते हैं, यहाँ सेलिब्रिटीज़ भी अपने अकाउंट के ज़रिए एक मुंहतोड़ जवाब तो देते हैं लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ चुप रहना ही ज़्यादा समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो राखी सावंत ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें ये कहती हुई नज़र आई थी कि गंदी गंदी गालियाँ मत दीजिए, छोटी सी जिंदगी है, जिस पर उन्होंने अपने लिए बात बोली थी कि कई दफ़ा उन्हें उनके कमेंट्स पे गंदी गालियाँ भी मिलती हैं जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और ये कुछ हद तक गलत भी नहीं है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप एक हद तक
सेलिब्रिटीज को हेट ना करके अगर पॉजिटिव कमेंट करें तो आई डोंट थिंक सो वो चीज़ें ही गलत होंगी। ये था आज का ट्रॉलिंग सेलेब्स, जिसमें हमने आपको दिखाया उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो सोशल मीडिया पर हुए ट्रॉल। कल फिर आऊंगी एक ऐसा ही खास प्रोग्राम लेकर, लेकिन दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।